Hello and welcome to Learn English with Roshan. This will be the third video of sentences in English series. In last video, you watched what is the simple sentence, complex sentence, compound sentence. And this will be the video upon subject, predicate, complement, object. These all are in the sentences. As you have watched our 10 series videos, in that sentence structure is based upon subject, verb, object. So all these parts of sentence. We will see clauses. We have seen clauses. If you have not watched, watch from the description link. So watch this video for learning subject, predicate, object and complements. All the things which you see in a sentence. How we describe or say that is a subject. So what is a subject? What is predicate and object and complements? Let's begin the video. सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि मैं बता रहा था उसमें कि सब्जेक्ट जुड़ता है, प्रेडिकेट जुड़ता है. तो सब्जेक्ट क्या होता है, आपको सबको पता होगा. किसी भी सेंटेंस को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है. सेंटेंस किस किस चीज से मिलकर बनता है? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट से. सो एवरी सेंटेंस हैज टू मेन पार्ट्स, नेमली सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, ठीक है. तो दो पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. अ सब्जेक्ट कंटेन्स अ नाउन और अ प्रोनाउन एंड प्रेडिकेट कंटेन्स अ वर्ब. तो सब्जेक्ट में नाउन प्रोनाउन होता है और प्रेडिकेट में क्या होता है? वर्ब. क्या होता है? वर्ब, ठीक है. वर्ब यहाँ पे आप समझ सकते हैं, ये मेरे पे पेन नहीं है तो मैं इस पे जैसे तैसे लिख देता हूँ. सो सब्जेक्ट और वर्ब, ठीक है. तो यहाँ पे प्रेडिकेट में सब्जेक्ट एंड वर्ब होता है. नेमिंग पार्ट इज द सब्जेक्ट एंड द टर्मिंग पार्ट इज अ प्रेडिकेट. तो बाकी के पार्ट क्या होते हैं? प्रेडिकेट. तो सब्जेक्ट किसी का नाम हो सकता है, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो. सब्जेक्ट क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन होता है. तो जो बोल रहा होता है और वी स्पीक अबाउट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट. जिस चीज के बारे में बात हो रही है और जो बोल रहा है, और नाम हो सकता है, नाम की जगह पे जो चीजें यूज करते हैं वो हो सकता है, ठीक है. तो ये आपका सिंपली क्या है? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. प्रेडिकेट की व्हाट इज सेड अबाउट. सब्जेक्ट के बारे में क्या कहा जा रहा है, तो सब्जेक्ट के बारे में जो कहा जा रहा है वो प्रेडिकेट कहलाता है. तो इट इज कॉल्ड प्रेडिकेट. सब्जेक्ट क्या है यहाँ? माधवी मान के चलो. इज अ वेरी ब्यूटीफुल, उसका प्रेडिकेट क्या है? माधवी सब्जेक्ट है, इसको हम कह रहे हैं कि ये बहुत ब्यूटीफुल है. तो ये प्रेडिकेट है. सब्जेक्ट प्रेडिकेट क्लियर है. मैन इज अ सोशल एनिमल, ठीक है. मैंने बताया था आपको, तो मैन सब्जेक्ट है और क्या है वो? सोशल एनिमल है. तो प्रेडिकेट सोशल एनिमल को बता रहा है, ठीक है. सो विशाखापट्टनम तो इज माई बर्थ प्लेस. तो विशाखापट्टनम सब्जेक्ट है, कहाँ पर वो पैदा हुई? बर्थ प्लेस पे. इस पे भी अब ये सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या होता है आप समझ गए होंगे, और इसमें आप एक्सरसाइज कर सकते हैं. तो सेपरेट करना है इसमें आपको, अलग है. जैसे ही अलग अलग हो रखे ना, ऐसा ही आपको इसमें करना है कि सब्जेक्ट जैसे नेचर हटा लेना है, बेस्ट फिजिशियन है, तो प्रेडिकेट इसमें बेस्ट फिजिशियन है, नेचर इसमें सब्जेक्ट है, क्लियर. तो ये आप कर लोगे इजिली. तो एवरी कंप्लीट सेंटेंस कंटेन्स टू पार्ट्स. तो आपको पता है कि हर एक कंप्लीट सेंटेंस क्या करता है? टू पार्ट्स होते हैं उसके. एक होता है आपका सब्जेक्ट, एक होता है आपका प्रेडिकेट. किसी भी सेंटेंस में आपको एक सब्जेक्ट मिलेगा, एक प्रेडिकेट मिलेगा, ठीक है. सब्जेक्ट क्या होता है? जो मेन की सब्जेक्ट इज व्हाट और हुम द सेंटेंस इज अबाउट. तो जिसके बारे में है सेंटेंस वो आपका सब्जेक्ट है. While the predicate tells something about the subject, और predicate बताता है कुछ subject के बारे में. In the following sentences, the predicate is enclosed in brackets. तो ये जो sentences आप देखोगे उसमें bracket में आपका क्या कर रखा है हमने? Subject और predicate भी bracket में. तो while the subject is highlighted, like Judy runs, ठीक है. तो Judy subject है और predicate runs है ना. So अब हम देख रहे हैं ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. अब डिफरेंस क्या है इनमें? तो डिफरेंस बिटवीन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इज, सब्जेक्ट होता है हु और हुम, ठीक है. और प्रेडिकेट क्या होता है? द एक्शन डन, ठीक है. इससे समझ आ गया होगा आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में डिफरेंस, क्लियर. नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट, दैट व्हाट इज अ सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या है, ठीक है. सब्जेक्ट क्या होता है वो देख लेते हैं हम, कि सब्जेक्ट होता क्या है.
आपको अभी जस्ट बता रहा था मैं कि वी हैव ऑलरेडी नोटेड दैट अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कि हमारा सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स है विच गिव्स कंप्लीट मीनिंग एंड अ सेंटेंस कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो जो पूरा कंप्लीट मीनिंग देता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स वो सेंटेंस होता है, और सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट वो उसके पार्ट्स होते हैं। सो द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस मे कंसिस्ट ऑफ वन वर्ड और सेवरल वर्ड्स। तो एक आपका सेंटेंस एक वर्ड या और ज्यादा वर्ड कंटेन कर सकता है, बट द सब्जेक्ट मस्ट हैव अ नाउन और प्रोनाउन। तो सब्जेक्ट में हमेशा नाउन और प्रोनाउन होता है। द चीफ वर्ड इन द सब्जेक्ट इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ड और सिंपल सब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट वर्ड और सिंपल सब्जेक्ट क्या होता है? अ नाउन और वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हाट डज द वर्क ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड अ सब्जेक्ट वर्ड। तो जो आपका नाउन का काम करता है वो सब्जेक्ट वर्ड कहलाता है। वर्ड यूज्ड एज सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट की तरह जो वर्ड यूज होते हैं, जैसे कि नाउन हो गया, नाउन यहाँ पे मैन है, नाम है किसी का, तो वो सब्जेक्ट हो गया। प्रोनाउन में यहाँ वी, तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया। एंड एडजेक्टिव यूज एज अ नाउन, तो जो एडजेक्टिव नाउन की तरह यूज होता है वो भी आपका सब्जेक्ट हो सकता है ना, ओल्ड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे सब्जेक्ट हैं। सो द सब्जेक्ट इन अ सिंपल इंग्लिश सेंटेंस सच एज जॉन रन्स, जॉन इज अ टीचर, जॉन वॉज रन ओवर बाय अ कार, इज द पर्सन और थिंग अबाउट हुम द स्टेटमेंट इज मेड। तो जिसके बारे में बात कही जा रही है वो सब्जेक्ट है। इन द केस जॉन ट्रेडिशनली द सब्जेक्ट इज द वर्ड। तो सब्जेक्ट एक वर्ड और फ्रेज विच कंट्रोल्स द वर्ब इन द क्लॉज। तो क्या काम होगा उस बंदे के द्वारा ही वो काम होगा। सो दैट इज टू से विथ विच द वर्ब अग्रीज, तो जिसके साथ वर्ब अग्री करता है उसके साथ हम ये कहते हैं। क्लियर है सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में बात हो रही है, जो चीज हो रही है। नाउन और प्रोनाउन कंटेन करता है एक सिंपल और एक सब्जेक्ट वर्ड होते हैं। नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वो वर्ड्स हो सकते हैं जो कि यूज होते हैं सेंटेंस में, और ये सेंटेंस में सब्जेक्ट आपका जो जिसके बारे में बात हो रही है वो होता है। सो कॉम्प्लीमेंट, और आपको बताऊंगा कि इनलार्जमेंट ऑफ एट्रीब्यूट क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट आगे टू इन्फिनिटिव्स, इन्फिनिटिव्स क्या होता है? इन्फिनिटिव्स जो मीन्स आपके आपको बताया था मैंने वर्ब की वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेरी लगा है वो एक इन्फिनिटिव है। टू राइट लेटर इज वेरी डिफिकल्ट। जीरंड क्या होता है कि आपका आई एन जी लगा रहता है ना, और इन्फिनिटिव में जाता है टू जो लगा हुआ है, ठीक है। और इन्फिनिटिव क्या होता है? टू वर्ड है ना, तो टू जो यहाँ लगा हुआ है वो इन्फिनिटिव है जीरंड में आई एन जी वर्ब के साथ। तो ये आपका जीरंड में है ना। फ्रेज सब्जेक्ट कैसे हो सकता है? अ फ्रेंड, ठीक है। तो फ्रेज है पूरा अ फ्रेंड, ठीक है। अ फ्रेंड ये जो है ये आपका फ्रेज है और ये आपका आपका सब्जेक्ट भी है। सो द सब्जेक्ट वर्ड मस्ट बी क्वालिफाइड बाय एन एडजेक्टिव और एन इक्विवेलेंट वर्ड एंड वी कॉल इट एन एट्रीब्यूट और इनलार्जमेंट। तो आपका सब्जेक्ट जो होता है वो क्वालिफाइड होना चाहिए एडजेक्टिव और इक्विवेलेंट होना चाहिए वर्ड के, जो हम कहते हैं एट्रीब्यूट और इनलार्जमेंट को। तो सेवरल टाइप्स ऑफ वर्ड्स कैन बी यूज्ड एन एट्रीब्यूट और इनलार्जमेंट। काफी सारे एट्रीब्यूट और इनलार्जमेंट की तरह हम वर्ड्स को यूज कर सकते हैं। सो अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच डज द वर्क ऑफ एडजेक्टिव। तो जो एक वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड काम करते हैं किसके? एडजेक्टिव के। इक्विवेलेंट नोन एज इनलार्जमेंट और एट्रीब्यूट, और वो कहलाते हैं इक्विवेलेंट टू इनलार्जमेंट और एट्रीब्यूट। तो वर्ड्स लाइक आर्टिकल ए, ये इनलार्जमेंट और एट्रीब्यूट है, तो ये एट्रीब्यूट्स होंगे। अ गर्ल है ना, एडजेक्टिव में फुलिश पर्सन, ठीक है। नाउन पोजेसिव केस और पोजेसिव एडजेक्टिव, तो पोजेसिव केस और पोजेसिव एडजेक्टिव भी होते हैं हमारे आपके इनलार्जमेंट और एट्रीब्यूट। सो माधवी, माधवीज फेस इज प्रिटी, माई बुक इज ऑन द टेबल, अ नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन। मदर टेरेसा अ ग्रेट सोशल वर्कर इज अ काइंड वूमेन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपके इनलार्जमेंट ऑफ एट्रीब्यूट, ठीक है, क्लियर। सो नाउ वी विल लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। सो इट इज अबाउट प्रेडिकेट। सब्जेक्ट आपने जाना सब्जेक्ट क्या था, जो कि स्टार्टिंग में सेंटेंस के लगता है और वो किसके नाउन और प्रोनाउन होता है, उसमें जिसके बारे में बात हो रही है वो होता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रेडिकेट। तो ये भी आपका एक पार्ट ऑफ सेंटेंस है, सेंटेंस में होता है ये, ठीक है।
तो द पार्ट ऑफ सेंटेंस और क्लॉज कंटेनिंग अ वर्ब, तो जो पार्ट ऑफ सेंटेंस और क्लॉज वर्ब रहता है उसमें, जिसमें वर्ब रहता है, स्टेटिंग समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहा है। सिंपल सी बात है, होम इन जॉन वेंट होम, तो वो कहाँ, जॉन क्या है, सब्जेक्ट है, और वो उसने क्या किया, वो घर गया, तो ये प्रेडिकेट है। ठीक है, ये प्रेडिकेट है। तो प्रेडिकेट क्या होता है, प्रेडिकेट द इसेंशियल वर्ड और प्रेडिकेट इज अ वर्ब दैट इज ऑफन मॉडिफाइड बाय एन एडवर्ब एडजेक्टिव इक्विवेलेंट विच इज कॉल्ड एक्सटेंशन ऑफ द वर्ब और एडवर्बियल क्वालिफिकेशन। तो जिसमें एडवर्बियल क्वालिफिकेशन होती है और जो आपका इक्वल होता है वर्ब के और एडवर्ब के, जो मॉडिफाई करता है जिसको, सो एक्सटेंशन ऑफ द वर्ब और एडवर्बियल क्वालिफिकेशन। तो इसमें वर्ब और एडवर्बल क्वालिफिकेशन होते हैं। अब वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप वर्ड क्या होते हैं, लेटर्स के ग्रुप होते हैं, और सेंटेंस वर्ड्स के ग्रुप होते हैं। तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच डज द वर्क ऑफ एडवर्ब, जो एडवर्ब का काम करे और एन एडवर्ब का काम करे और एक्सटेंशन के इक्वल हो, एडवर्बल क्वालिफिकेशन हो, वो आपका प्रेडिकेट है। सो वर्ड यूज्ड एज एडवर्बल क्वालिफिकेशन लाइक ही स्पोक वेरी क्लियरली, वो बहुत अच्छा बोलता है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा क्लियरली बोलने वाला क्या है, एडवर्ब है, और ये आपका प्रेडिकेट हो गया। एडवर्बल फ्रेज लाइक बिस्किट वन बाय वन, ये आपका प्रेडिकेट हो गया। प्रेजेंट एंड पास्ट पार्टिसिपल्स यूज्ड एज एडवर्ब्स, जैसे कि पार्टिसिपल्स कोई आपको बताए थे मैंने वर्ब के फॉर्म ही होते हैं मेनली, जैसे कि माधवी वेंट, तो वेंट यहाँ पे क्या है, गए, ठीक है, वहां पे तो वो आपका पार्टिसिपल है, ठीक है, जिस फॉर्म में यूज हो रहा है। लुक्ड, वेंट, ये आपके क्या है, अभी प्रेडिकेट है, ठीक है। तो यूज्ड एज एडवर्ब्स, तो दीज आर ऑल्सो प्रेडिकेट। टू, टू जो हम यूज करते हैं बहुत ज्यादा, कि आई गो टू, आई ही बिगिन टू वर्क, तो टू इन्फिनेटिव भी आपका क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट में भी आपने टू देखा था, इसमें भी देख लो। तो एक सेंटेंस के पार्ट्स क्या क्या होते हैं, सेंटेंस में होता क्या क्या, सब्जेक्ट होता है, फिर आपको प्रेडिकेट बताया, वर्ब जो कि एक तरीके का हो गया मान लो, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट से तो मिलके एक सेंटेंस बनता है। आप टेंस की सीरीज देखो मेरे, उसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट बोलता था मैं, तो वो सेंटेंस में चाहिए ना हमें। सो दीज आर द सब्जेक्ट एंड वर्ब, नाउ लेट्स मूव टू ऑब्जेक्ट। सो व्हेन अ वर्ब इन द प्रेडिकेट इज ट्रांजिटिव वर्ब, तो ट्रांजिटिव वर्ब मैंने आपकी वर्ब की वीडियो में बता रखा है, चेक करो जा करके। तो वहां पे एक ऑब्जेक्ट हमें चाहिए होता है कंप्लीट मीनिंग के लिए, जब हमारा ट्रांजिटिव वर्ब होता है, इनकम्प्लीट या हेल्पिंग वर्ब होते हैं, तो हमें एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड विच इज यूज आफ्टर अ ट्रांजिटिव वर्ब इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। तो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद जो एक वर्ड यूज होगा वो आपका ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। अगर आपको डाउट आ रहा है ट्रांजिटिव वर्ब क्या है, तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन में वर्ब की वीडियो का लिंक है, वो जाके चेक करो, ट्रांजिटिव वर्ब मैंने उसमें समझा रखा है, ठीक है। सो वर्ड्स यूज्ड एज अ वर्ड्स जो कि यूज होते हैं एज अ नाउन, ठीक है, वो आपका एक ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट आफ्टर ट्रांजिटिव वर्ब यूज होता है और सेंटेंस को कंप्लीट करवाता है। क्लियर है, ये सारा लिख लेना आप। तो अब प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस और अ क्लॉज, तो प्रेडिकेट एक पार्ट ऑफ सेंटेंस है और एक क्लॉज है जो हमें बताता है कि व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग, कि सब्जेक्ट कर क्या रहा है, ये हमारा आपको प्रेडिकेट बताता है। सो सब्जेक्ट, लेट्स टेक द सेम सेंटेंस फ्रॉम बिफोर दैट द कैट इज स्लीपिंग इन द सन, तो कैट मीन्स आपकी बिल्ली सूरज के नीचे सो रही है, मीन्स सूर्य के मीन्स बहुत ठंड में, जैसे हम धूप लेते हैं तो धूप के नीचे सो रही है। सो द क्लॉज स्लीपिंग इन द सन इज द प्रेडिकेट, तो वो कर क्या रही है, स्लीपिंग कर रही है, तो स्लीपिंग क्या है आपका, प्रेडिकेट है। तो इट्स डिफिकल्ट व्हाट द कैट इज डूइंग, क्यूट है ना। कॉम्प्लीमेंट समझो अब एक सेंटेंस में क्या होता है ना, और आपको ऑब्जेक्ट्स में इन्फिनेटिव टू जो है, टू गो, ये भी मिल जाएगा, जिरेंड भी मिल जाएगा ऑब्जेक्ट में, टीचिंग लास्ट में भी तो लग सकता है, टीचिंग जिरेंड, क्योंकि आईएनजी तो आपका लास्ट में लग गया, तो ये लास्ट के ऑब्जेक्ट तो होते हैं हमारे, लास्ट के वर्ड जो भी होते हैं सेंटेंस में, ठीक है। फ्रेज भी हो सकता है, आफ्टर द चाइल्ड, ठीक है, लुक आफ्टर द चाइल्ड, ये एक फ्रेज है और ये आपका एक ऑब्जेक्ट भी है। ऑब्जेक्ट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होते हैं, दो टाइप्स के ऑब्जेक्ट होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट।
तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, द थिंग दैट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई रोट अ लेटर, क्या लिखा, लेटर लिखा, डायरेक्ट है। वी सॉ अ स्नेक, क्या देखा, स्नेक देखा, तो ये डायरेक्ट लेटर है, डायरेक्ट वर्ड है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, द पर्सन टू होम समथिंग इज गिवन और होम समथिंग इज डन, कॉल्ड एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जिसको कुछ किया गया, जैसे आई गिव हिम अ बुक, मैंने उसे बुक दी, ये है यहाँ पे ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई रोट हर अ लेटर, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब कॉम्प्लीमेंट समझते हैं, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट हमारा इस स्लाइड का टॉपिक है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, व्हेन द प्रेडिकेट कंटेन्स वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन। तो जब हमारा प्रेडिकेट एक इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन लाता है या लेता है, तो उसको एक वर्ड की जरूरत पड़ती है उसका मीनिंग कंप्लीट करने में। तो सो द वर्ड विच कंप्लीट द मीनिंग ऑफ द वर्ब, तो जो वर्ब की मीनिंग कंप्लीट कर दे। यहाँ पे बहुत ध्यान से नोट भी कर लीजिएगा, वर्ब विच कंप्लीट द मीनिंग ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। तो जो वर्ब की मीनिंग कंप्लीट कर दे वो कॉम्प्लीमेंट कहलाता है, सिंपल सी बात है। सो द मेन वर्ब्स ऑफ इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन आर वी सीम अपीयर लुक बिकम ग्रो फील। ठीक है, तो आपका प्रेडिकेशन जो है वो देखे जा सकते हैं और दिखाए जा सकते हैं और ग्रो हो सकता है, फील किए जा सकते हैं आपके कॉम्प्लीमेंट्स। सो कॉम्प्लीमेंट अ वर्ड रिक्वायर्स टू कंप्लीट द मीनिंग ऑफ एन इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब का जो कंप्लीट कर दे मीनिंग, आप वर्ब की वीडियो देखो, उसमें सारे ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब समझा रखे हैं। ठीक है, तो आपका जो कॉल्ड, जिसे हम इंट्रांजिटिव वर्ब की मीनिंग कंप्लीट करा दे, वो आपका कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। तो क्लियर है कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो कॉम्प्लीमेंट इज द समथिंग दैट इज कंप्लीट और परफेक्ट। तो एक कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जो कंप्लीट और परफेक्ट करता है। डायरेक्ट परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट द शेड ऑफ हर आईज, दे मेक अ ग्रेट कपल, देयर पर्सनैलिटी आर अ परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट टू अनदर। ठीक है, पूरा कंप्लीट कर रहे हैं वर्ब को, इंट्रांजिटिव वर्ब को, और सेंटेंस को कंप्लीट करने में मदद करते हैं ये कॉम्प्लीमेंट्स आपके होते हैं। क्लियर, तो अब आप देख लो कि कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट में क्या अंतर है। ठीक है, एक कॉम्प्लीमेंट हम कहते हैं कि जब बोलते हैं वाओ आई लव योर न्यू शूज, यहाँ पे एक ये कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं, बट ये ई वाला क्या है और आई वाला डिफरेंस ये भी तो पता होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट में। तो हम पढ़ रहे हैं ई वाला। ठीक है, हम कौन सा पढ़ रहे हैं, ये वाला। आप ये वाला मत समझना कॉम्प्लीमेंट जो कि हम किसी को तारीफ करते हैं, ये आपका तारीफ वाला है, तारीफ वाला है। ठीक है, तारीफ वाला है ये, मीन्स आप समझ सकते हैं किस वाला है ये, तारीफ। ठीक है, तो तारीफ वाला जो आपका होगा वो क्या होगा, ये वाला होगा। और ये जो वर्ब को कंप्लीट कराता है, ये वाला कॉम्प्लीमेंट होता है। जैसे एग्जाम्पल, द शूज फिनिशेस ऑफ माई आउटफिट, तो यहाँ पे बताने के लिए कुछ कि ये शूज मेरे पूरे आउटफिट को कंप्लीट करता है, तो ये कंप्लीट करने के लिए कॉम्प्लीमेंट है ये। ठीक है, कि इससे मेरा पूरा वो शूज, जो मेरी पर्सनैलिटी है, उस शूज से पूरी कंप्लीट होती है। लिख लेना इस चीज को, और आई होप दैट आप समझ रहे होंगे क्या है। सारी ग्रामर आपको तो पूरी इस चैनल पे मिलती रहेगी, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब काइंड्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट देख लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स का टाइप्स कितने हैं, क्योंकि आपने कॉम्प्लीमेंट जान लिया क्या था, कॉम्प्लीमेंट जान लिया ना, तो अब देख लो कि क्या अब टाइप्स में और कॉम्प्लीमेंट कैसे हो सकते हैं। नाउन में है तो पदमा इज अ टीचर, टीचर उसका कॉम्प्लीमेंट है। एडजेक्टिव में अट्रैक्टिव है, दिखती है, तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट है। प्रोनाउन में जैसे कि द प्रॉब्लम इज दिस, दिस यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में इंटरेस्टिंग आपका यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है। टू में टू स्टार्ट, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है। एडवर्ब में वॉटर इज एवरीवेयर, तो यहाँ पे एवरीवेयर कॉम्प्लीमेंट है। फ्रेज, तो माई फादर इज इन द रूम, इज इन द रूम कॉम्प्लीमेंट है। अब काइंड्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट समझ लो, देर आर टू टाइप्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स। कितने टाइप के कॉम्प्लीमेंट्स है हमारे, दो। ठीक है, तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एक होता है, एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट विच इज यूज रेफर टू और डिस्क्राइब द सब्जेक्ट इज कॉल्ड सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो जो सब्जेक्ट को बताए, सब्जेक्ट को रेफर करे, सब्जेक्ट को कंप्लीट करे, वो आपका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। जैसे ही लुक्ड टायर्ड, ठीक है, वो बहुत टायर्ड दिख रहा है, थका हुआ दिख रहा है, तो
तो सब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं, और ऑब्जेक्ट के बारे में जो बताएगा वो सेकंड टाइप का ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। कॉम्प्लीमेंट विच इज यूज टू रेफर टू और डिस्क्राइब द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो जो आपका डिस्क्राइब करेगा और ऑफर करेगा ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। क्लियर है? सो दिस वॉज काइंड ऑफ एंड टाइप्स ऑफ वॉट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स, और ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं। तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स भी आपके चार टाइप्स में डिवाइडेड है। देयर आर फोर टाइप्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स, ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और प्रेडिकेट नॉमिनेटिव और प्रेडिकेट एडजेक्टिव, है ना। ये आपके सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स हैं, लिख लेना इसको, ठीक है। अगर नहीं समझ आए तो मेरे को बता देना, बाकी आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है, कमेंट में बताना अगर नहीं समझ आए तो। सो आपको ये कंप्लीट आपका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पे आपको एक्सरसाइज दे देता हूँ। सब्जेक्ट क्या था आपका मेन, जो कि किसी भी सेंटेंस में होता है, तो सब्जेक्ट आपको समझ आ गया होगा क्या होता है, जो कि एक मेन जिसके बारे में बात हो रही है वो होता है सब्जेक्ट। तो ये एक्सरसाइज आप कर लो, जिसमें आपको फिल करना है, सुटेबल ऑब्जेक्ट्स देने हैं। आई नो यू, है ना, माई फादर इंजॉयज स्ट्रीमिंग और वॉट एवर वॉचिंग टीवी, तो आपको एक ऑब्जेक्ट डालना है भाई, सिंपल सा। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, कोई भी कर लेगा ये। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब सब्जेक्ट एक पार्ट ऑफ सेंटेंस है ना, सेंटेंसेस कर रहे हैं ना हम, सेंटेंसेस इन इंग्लिश सीरीज चल रही है, जिसमें कि एक सेंटेंस में क्या क्या हो सकता है भाई। ऑब्जेक्ट हो सकता है, प्रेडिकेट हो सकता है, सब्जेक्ट हो सकता है, तो एक सेंटेंस में ये सारी चीजें होती हैं। तो ये सारी चीजें वर्ड्स छोटे छोटे हम समझ रहे हैं, जैसा कि हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में देखा था, छोटे छोटे वर्ड्स जो एक सेंटेंस में होते हैं ये भी एक सेंटेंस में होते हैं, तो आप समझ सकते हो। अब आपको मैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट की वर्कशीट देता हूँ। यहाँ पे आपको कॉम्प्लीमेंट्स फील करना है, पद्माजा लुक्स ब्यूटीफुल, शी इज अ डांसर, कुछ भी आप कॉम्प्लीमेंट दे सकते हो भाई, जो कंप्लीट कर दे इसके सेंटेंस को, तो जो कंप्लीट कर दे वो बहुत इजी है ये, ठीक है। सन वॉज शाइनिंग ब्राइटली, सूरज बहुत चमक रहा था। यहाँ पे आपको कंप्लीट करना है, किसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट देखना है, कौन सा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सन है, क्या कर रहा है, शाइनिंग प्रेडिकेट है कैसे, तो ये ऑब्जेक्ट है ब्राइटली, ठीक है, क्लियर है। ये करो आप एक्सरसाइज, आपका हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल लास्ट। आपने अगर लास्ट तक देखा तो आप बहुत अच्छे हो, और आपने समझा है चीजों को, और आप में पेशेंस है। नेक्स्ट वीडियो आपकी आ रही है, हर एक टाइप जितने भी टाइप के सेंटेंसेस देखे थे, सिंपल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, और आपने जो जो देखे हैं हमारे टाइप के सेंटेंस, तो उन सबके ट्रांजिटिव इंपेरेटिव जो भी आपने ऑप्टेटिव हो गया एक्सक्लेमेटरी हो गया, उन सबके एनालिसिस करेंगे। व्हाट वी विल डू, एनालिसिस कैसे वो यूज होते हैं, एनालिसिस करेंगे कैसे कैसे यूज होते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो सेंटेंसेस सीरीज में बने रहिएगा दोस्तों, लाइक शेयर कर देना इस वीडियो को, और सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आप इस चैनल पर नए हो तो। सब्सक्राइब करके हमारा हौसला अफजाई करो, ऐसे ही बहुत अच्छी इंग्लिश ग्रामर लर्निंग वीडियोस आती रहेंगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल लास्ट। दिस वॉज द वीडियो अपॉन क्लासिकल स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन ऑफ सेंटेंसेस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सो नेक्स्ट वीडियो विल बी अपॉन एनालिसिस ऑफ सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, एवरी टाइप ऑफ सेंटेंस, एंड यू विल लर्न सेंटेंसेस इन इंग्लिश। अ वेरी कंप्लीट सीरीज, अ वेरी यूजफुल सीरीज फॉर यू ऑल। सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर लर्निंग इंग्लिश, एंड डेली यू विल रिसीव इंग्लिश लर्निंग वीडियोज, CBSE अपडेट्स एंड एवरी थिंग, वोकैबुलरी टू इम्प्रूव इंग्लिश। सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स हु वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, बिकॉज वी आर हैविंग सेंटेंसेज इन इंग्लिश सीरीज आफ्टर पार्ट्स ऑफ स्पीच सीरीज। सो दिस विल बी वेरी यूजफुल वीडियो फॉर हु वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब दिस चैनल।